चलो नहीं चलो। बेटे सलोनी को लेकर कहीं जा रहे हो क्या? जी आंटी, मैं उसे लेकर मेले में जा रहा हूँ। हमने तो सोचा था कि सब मिलके तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और तुम सलोनी को लेकर मेले में जा रहे हो। एक्चुअली आंटी, हमारे खानदान की एक परंपरा है, हर साल हमारे परिवार से कोई एक जोड़ा उस मेले में माता को चढ़ावा चढ़ाता है। पिछले साल मैं और सलोनी वहां गए थे, मैंने सोचा इस बार भी मैं सलोनी को लेकर उस मेले में जाऊं, शायद उसे हमारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ याद आ जाए। तब तो बेटा सलोनी को लेकर तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। हाय नील। नाहर, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स, भला ये दिन कैसे भूल पाता मैं। सलोनी की जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी का दिन है ये। एनीवेज मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, यहाँ जरा काम कुछ ज्यादा है। बाय राजकुमार। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी नहीं बाबा, बहुत अच्छी लग रही हो। सिंड्रेला जैसी? हाँ बिल्कुल सिंड्रेला जैसी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। ओफो राजकुमार, कब से कह रहे हो कि चलो सलोनी चलो सलोनी, अब चलो ना। ठीक है चलते हैं। चले आज का दिन बहुत ही शुभ है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो यहाँ फेरे लेते हैं वो अगले 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। अरे वाह प्रिंस चार्मिंग, चलो हम भी 7 फेरे ले लेते हैं। मैं भी अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीहितम्। Yeah.
प्रार्थना है आपसे कि आपका हाथ सदा मेरे परिवार के सर पर रहे। हमारे परिवार की सुख शांति को हमेशा बनाए रखना माँ। माँ, जीजी हमारे परिवार की सुख शांति को तबाह कर देना चाहती है। मेरे परिवार की और मेरे बच्चे की जीजी से रक्षा करना माँ। माँ, हम आपके आगे हाथ फैलाकर भीख मांग नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हमें तो जो अच्छा लगा हमने हाथ बढ़ाकर छीन लिया, और जो नहीं छीन पाए वो तोड़ दिया। माना कि सलोनी से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन माँ बाप तो यही चाहेंगे ना कि उनके बच्चे जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सलामत रहें, खुश रहें। ऋतुकालेषु तीष्णाता क्रीडित्यारी त्वया सह नहि परतरं यायां कन्या पम्पपदे ब्रवीत्। रुकिए नहीं, फेरे पूरे कीजिए। चलो होम यज्ञादि कार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मातः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवे। ये चढ़ा दीजिए। यजमान, यहां फेरे नहीं लेंगे आप? बहुत ही शुभ माने जाते हैं यहां आज के दिन लिए हुए फेरे। वैसे वीर, हमने भी सुना तो यही है कि यहां सात फेरे लेने से सात जन्मों तक बंधन हो जाता है। बताइए क्या इरादा है आपका? आप जैसा जीवन साथी तो किस्मत से मिलता है। और आपके साथ के लिए यहाँ के क्या हम सारी दुनिया के सात चक्कर काटने को तैयार हैं। थैंक यू, चले। अरे ब्रिजेश जी, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? धारा के साथ सात फेरे लेना? नहीं नहीं, ठीक है, आप लोग जाइए। डोंट माइंड, हमें लगता है आपको तारा का साथ चाहिए नहीं लंबे समय तक। आप हमारी फिक्र ना करें, आप लोग जाइए। पंडित जी, हम ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मों तक हमारा साथ बना रहे और अब कोई भी तूफान हमें अलग ना कर सके।
ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। अरे भाई ये क्या हो गया, मोच आ गई। डोंट वरी जरा चोट तो नहीं लगी आपको? देखो कुछ नहीं, कुछ क्या हो गया अभी? भाई मोच आ गई थोड़ी सी। क्या हुआ प्रिंस चार्मिंग, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। अब तो हमारी शादी भी हो गई, अब ढेर सारे कपड़े मिठाइयां जूती और चुन्नी मिलेंगे ना। काका साहब आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत फिर से तो कहीं खराब नहीं? कुछ नहीं, जरा सी मोच आ गई है और कुछ नहीं। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो तुम। वशी, ये सब मत करो तुम, हमें अजीब सा लग रहा है, लोग सब देख रहे हैं। तुम ड्राइवर को बुला लो ना। आपकी तकलीफ में हम किसी और को बुलाएंगे, आपकी पत्नी है आफ्टर ऑल। आप प्लीज परेशान मत होइए, देखिए कहाँ चोट है। ना चलो ना, हम मेले में घूमने चलते हैं। अब चल रहे, तुम खींच के रही हो। चलो 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 चलो। सुनिए यजमान, मेले जाने के लिए उस तरफ से रास्ता है। चलो आइए। अच्छा वीर, एक बार आप खड़े होने की कोशिश कीजिए, चल के देखते हैं। अरे नहीं भाई, उठा नहीं जा रहा।
मलाल तो सिर्फ इस बात का है कि उर्वशी के साथ हम फेरे नहीं ले पाएंगे। ओफो वीर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप हमारे साथ साथ फेरे ले या ना ले, हमने तो आपके साथ सात जन्मों का नाता बांध लिया। और वैसे भी वीर, हम जब किसी को अपना दिल दे बैठते हैं तो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ते। तारा, मैं भी तुम्हारे साथ सात फेरे लेना चाहता हूं, ताकि जन्मों जन्मों तक हमारा साथ बना रहे और कोई हमारे बीच में कभी ना आ सके। रो रही है भाभो, मुझे पता है आप किसे याद कर रही हैं। हाँ, अपनी एक बेटी याद आ गई मुझे। जाने किसकी नजर लग गई उसको, जो अचानक। भाभो, भूल जाओ सब कुछ, होता वही है जो ईश्वर ऊपर बैठे बैठे लिखता है। चलो, का सब आशीर्वाद ले लो। जुग जुग जियो, जन्म जन्म तुम्हारा साथ बना रहे बेटा, और हमेशा इस तरह मुस्कुराते रहो। और अब भाई उर्वशी से आशीर्वाद लो, तुम्हारी काकी सा है। नहीं वीर, हम इन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। दरअसल हमने अक्सर ऑब्जर्व किया, हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो ठीक से फलता नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से इतनी खूबसूरत जोड़ी के बीच कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये सब अंधविश्वास है। अब काका साहब, वो ईशान मेले में जाने की जिद कर रहा था, तो बगर बेटे तुम लोग जाओ, मेले का लुत्फ लो, हमारी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। नहीं नहीं काका साहब, हम लोग सब साथ में मेले में आए, सब साथ में एंजॉय करेंगे ना। लेकिन बेटे, हमारी वजह से आपका ये पूरा ट्रिप खराब हो जाए, ये भी तो ठीक नहीं ना। नहीं वीर, एक्चुअली आई अंडरस्टैंड ब्रिजेश जी, आपको यहाँ वीर अकेले हैं ये देखकर बहुत खराब लग रहा है। डोंट वरी, हम हैं, और इनफैक्ट आप ही रुक जाइए ना हमारे साथ।